जीवन के विकास के लिए हमको तीन बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हमारे पुण्योदय से उपलब्ध हुई हैं। कभी हम देव का सहारा ले लेते हैं, जब देव के सामने विशुद्धि घटने लगती है तो शास्त्र का सहारा ले लेते हैं। कभी देव और शास्त्र दोनों में मन नहीं लगता है तो फिर हम गुरु का सहारा ले लेते हैं। आज के संवाद का विषय देव और शास्त्र को छोड़कर के गुरु को बनाने का मेरा मन हो रहा है। प्रसंग है, हम लोग दिसंबर की ठंड में तिलवारा घाट जबलपुर में पूरा संघ रुका हुआ था गुरुदेव का। तो जो पुराना कैंपस है जहाँ पर प्रतिभा स्थली पहले लगा करती थी, आप लोगों ने अगर देखा हो तो, उसके बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में सुबह सुबह 8:15 बजे गुनगुनी सी धूप ठंड में आती थी। कमरों से निकल करके सभी लोग धूप में जाकर के बैठना पसंद करते थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि गुरुदेव अपने नियत समय से 15 मिनट पहले आकर के वहाँ पर बैठ गए। अब चूंकि बैठने के लिए गुरुदेव का सिंहासन लगा था, इधर उधर कोई दूसरा पाटा नहीं दिख रहा था, तो गुरुदेव सीधे सिंहासन में आकर के बैठ गए। सिंहासन में 15 मिनट पहले आकर के बैठे, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर के बैठ जाते हैं। तो एक तरफ से प्रतिभा मंडल की पूरी बहनें 2-3 मिनट नहीं लगा होगा वहाँ पर आकर के करीब 150 से ऊपर बहनें आकर के बैठ गईं। दूसरी तरफ मुनि महाराज जी लोग स्वाध्याय कर रहे थे, उनको लगा कि शायद हो सकता है गुरुवर को समय का ध्यान ना रहा हो या घड़ी बंद हो गई हो, तो वो थोड़ा जल्दी आके बैठ गए। तो साधुओं को लगा कि अपन भी चलते हैं धूप में आचार्य सी जी के पास बैठ जाएंगे। तो सारे मुनि महाराज भी बगल में बहुत सारे तखत लगे रहते थे, तो वहाँ पर आकर के पूजन के निमित्त से बैठ गए। बच्चे नाश्ता कर रहे थे, जैसे पता चला कि बच्चों को कि गुरुजी सिंहासन में बैठ गए हैं, पूजा का समय हो गया है, तो बच्चे भी आधा अधूरा भोजन छोड़ करके और गुरुदेव की तरफ दौड़े। देखते ही देखते करीब 350 से ऊपर बेटियां गुरुदेव के समक्ष उस ग्राउंड में आकर के बैठ गईं। समोषण लगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा बंधुओं, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। और एक तरफ ब्रह्मचारिणी प्रतिभा स्थली की बहनें, बीच में विशाल पूरा कैंपस बच्चों से घिर गया, तखत के ऊपर मुनि महाराज बैठ गए। ये विसिल बज रही है इसकी थोड़ी सी, रोज बजती। और बगल में मुनि महाराज बैठ गए और शावक भी कुछ कम नहीं थे, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं। वो जबलपुर है, जरा सी बात में 1000 आदमी इकट्ठा होना मामूली बात रहती है। मतलब गुरुदेव के आसपास 500-700 आदमी जबलपुर में किसी भी समय घूमते रहते हैं। तो करीब 500 से ऊपर लोगों को, जो गृहस्थ थे, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो भी आकर के बैठ गए। पूरी संरचना बनने में मात्र 10 मिनट लगा। आचार्य सी जी शांत बैठे थे, तो किसी मुनि महाराज जी ने कहा कि अभी तो समय है। तो गुरुदेव बहुत अच्छे से कहते हैं, मुझे पता है समय है, मैं तो सिर्फ धूप लेने के निमित्त से थोड़ा बाहर आया था, आप लोग समय से पहले आ गए, गलती तो आपकी है। तो सब लोग हंसने लगे। और जब थोड़ा जल्दी आ ही गए थे तो गुरुदेव ने कहा कि जब सब जम गया है तो पूजन कर लो। और संगीत में पूरी बच्चियों के द्वारा, बहनों के द्वारा, श्रावकों के द्वारा गुरुवर का पूजन
अगले 15 मिनट में सानंद संपन्न हो गया। 9:10 हुए और गुरुदेव पूजन से निवृत्त हो गए। अभी गुरुदेव के पास आधा घंटा था। उस आधे घंटे में आहारचर्या के बीच का समय था और गुनगुनी धूप में कोई भी वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा था। सबको अच्छा लग रहा था, उनकी मनोहारी छवि देखना किसको अच्छा नहीं लगता। अब जब आधा घंटा शेष था, पूरा संग बैठा, श्रावक बैठे, बहनें बैठी, इस तरफ बच्चियां बैठी, बीच में गुरुदेव भी बैठे, तो वहाँ के जो एक कुशल मंच संचालक हैं उनको कुछ सूझा, तो उन्होंने, अमित जी नाम है उनका, उन्होंने गुरुदेव के सामने लाकर के एक माइक रख दिया। आधा घंटा है, क्या करेंगे, तो गुरुदेव के सामने माइक रख दिया। और माइक रखने के पश्चात भी गुरुदेव कुछ नहीं बोले, तो एक माइक जैसे गड़धर लाना जरूरी था भगवान महावीर के समूह शरण में, ऐसे ही युक्तिपूर्वक एक माइक को किसी बच्ची को दे दिया और पीछे से इशारा करके पूछे कि कुछ पूछो आचार्य जी से, कुछ पूछो, कुछ पूछोगे तो जवाब मिलेगा। किसी भी निमित्त से गुरु के मुख से कोई देशना तो खिले। तो जब प्रतिभा स्थली की एक बच्ची के हाथ में माइक दे दिया, अब वो बच्ची भी इतनी शालीन की पहले दीदियों की तरफ देखती है कि कुछ पूछे कि नहीं पूछे। दीदियों ने थोड़ा सा इशारा किया कि हाँ पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, तो बड़े विनीत भावों से वो बेटी खड़ी हुई और खड़े होकर के गुरुवर से पूछती है, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। इतने मृदु शब्दों के साथ प्रश्न पूछने का आत्मीय निवेदन था। गुरुदेव थोड़ा सा सिर ऊपर किए और मुस्कुरा दिए और धीरे से देख करके कहते हैं, हाँ पूछो, क्या पूछना है। और जैसे ही गुरुदेव की त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान मिली, उस बेटी का थोड़ा सा मानस संबल और बढ़ा। उसने एक प्रश्न पूछ लिया, गुरुवर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रश्न कितना सरल था, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आपने धनंजय कवि का द्विसंधान महाकाव्य देखा होगा बंधुओं। धनंजय कवि ने एक ऐसा काव्य लिखा है जिसमें एक ही श्लोक रहता है, उस श्लोक में अर्थ निकालो तो रामायण भी निकलती है और उसी में से महाभारत भी निकलती है। श्लोक एक ही है, उसमें से राम के भी, रामायण के सारे पात्र की स्थापना भी उस कवि ने अपने कौशल से उन्हीं शब्दों में की है और अर्थ निकालने वाले अर्थकार उसी में से महाभारत का पूरा प्रसंग भी निकाल लेते हैं। अब गुरुदेव ने जैसे ही ये प्रश्न सुना कि अपनी क्षमता का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आचार्य श्री जी सिर्फ 20 सेकेंड मौन रहे। आप अगर इस दृश्य की जो मैं कराना चाहता हूं उसकी कल्पना कर सकते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। 20 सेकेंड में गुरुदेव ने क्या सोचा, जब उनके वाणी प्रखर हुई तो समझ में आया। गुरुदेव ने सोचा कि देखो बगल में मुनि महाराज बैठे हैं, इस तरफ ये बेटियां बैठी हैं, इस तरफ ये ब्रह्मचारियां बैठी हैं और उस तरफ ये श्रावक बैठे हैं। इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दो कि सबके जीवन में विकास हो। प्रश्न एक है और उस एक प्रश्न के उत्तर में मुनि महाराज का भी विकास छुपा है, उसी प्रश्न के उत्तर में किसी गृहस्थ की गृहस्थी का विकास भी छुपा है, उसी प्रश्न के उत्तर में उन ब्रह्मचारिणी बहनों का भी विकास छिपा है, उसी प्रश्न के उत्तर में उत्तर पूछने वाली उस कन्या का भी विकास छुपा है। 4 संधान एक साथ करना था गुरुदेव को। गुरुदेव ने सबसे पहला सूत्र उसी बच्ची को देख करके कहा, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। गुरुदेव ने उसके लिए सूत्र कहा और उस सूत्र सबके कान में पढ़े।
सूत्र बहुत अच्छा कहा गुरुदेव ने। सबसे पहला सूत्र कहा कि अगर अपनी क्षमता का विकास करना है तो लोक संपर्क से बचो, लोक संपर्क से बचे। अब इस सूत्र की सबके जीवन में अलग अलग व्याख्या है। अगर उस कन्या को अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है तो उसके लिए सूत्र है लोक संपर्क से बचो, मतलब ज्यादा लोगों से घुलो मिलो नहीं। उस कन्या के लिए ठीक था, साधु के लिए भी ये साधना का एक अभूतपूर्व सूत्र था कि अगर उसको अपने साध्य की साधना में लगे रहना है, उनके लिए भी ये सूत्र लागू हो रहा था कि साधुओं के लिए भी संकेत था कि आप लोग भी लोक संपर्क से बचो। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, दंपति है जिसकी गृहस्थी संपर्क सफल नहीं हो रही है, उसके कान में भी ये सूत्र गया, उसको भी ये सूत्र लागू कर लिया समझने वाले ने। अगर गृहस्थी में फूट पड़ रही है तो लोक संपर्क से बचो। कितनी बड़ी बात है, मतलब अपनी माँ से बात करने में बचो, पिता से बात करने में बचो, परिवार में बाहर बात करने से बचो, घर की बात बाहर ना जाए, लोक संपर्क से बचो, गृहस्थी बची रहेगी। धन कमाना था एक लड़के को, उसको पैसा कमाने का साधन नहीं सूझ रहा था, उसकी दुकान नहीं चलती थी, उसके लिए भी ये सूत्र लागू हो गया लोक संपर्क से बचो। पैसा कमाने के लिए तो लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आपके घर में धन नहीं आ रहा हो तो फ्री में सलाह देने वाले बहुत आते हैं, भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्या चल रहा है ऐसा कर लो। तो उस समय भी जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो, जब आपके पास कोई हीनता का वातावरण आपके जीवन में बन गया हो, उनके लिए भी ये सूत्र लागू हो गया कि जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो, उत्साहहीन हो रहे हो, जब आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त लोक संपर्क से बचो। ब्रह्मचारिणी बहनें बैठी थीं, उन बहनों के जीवन के विकास के लिए भी ये सूत्र काम किया कि अगर तुम्हें अपना विद्यालय बहुत अच्छे से संभालना है और चलाना है तो आप लोग भी लोक संपर्क से बचो। एक सूत्र सबके जीवन में विकास कर रहा है। आज आप जब इस सूत्र को सुन रहे हैं, कहीं भी बैठ करके ये देशना आपके कान तक जा रही है, उस समय आपसे भी यही कहना है कि अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, उस क्षमता बढ़ाने का सबसे पहला और पवित्र सूत्र है लोक संपर्क से बचो। शाम को 7 बजे के बाद जब महिलाएं मंदिर में बैठ करके बात करती हैं तो उससे भी कई बार आदमी मोटिवेशन को प्राप्त न होकर के डीमोटिवेट हो जाता है, कहीं के कहीं की धारा पहुंच जाती है। जिसको भी अपनी क्षमता बढ़ानी है इस संसार में, वो लोक संपर्क से बचे। बच्ची को देख करके गुरुवर ने कहा, पहला सूत्र है, घड़ी देखी तो 9:15 बजे थे, अचासी ने समझा कि अभी तो आधा घंटा है, और बहुत प्यार से उस बच्चे के माध्यम से एक साथ उन्होंने 4 संधान महाकाव्य लिखा। साधुओं को, बगल में बैठे साधुओं को भी एक बार देख लिया, कौन कौन बैठा है, कैसा कैसा है। गुरु सबकी प्रकृति को जानते हैं और एक ही संदेश में सबको शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा हो सकता है आपके जीवन में कभी सुनी ना गई हो, इसलिए मेरा मनोभाव आया कि ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, जिससे दुनिया में वे लोग जो अपनी क्षमता को किसी भी साधन या अभावों के कारण विकसित नहीं कर पा रहे हैं और अपनी क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, वो सबसे पहले लोक संपर्क से बचें। दूसरा सूत्र पूछा तो आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक ही सूत्र नहीं है, दूसरा सूत्र भी है अपनी क्षमता का विकास करने के लिए। क्या? ओवरवर्किंग से बचो। ओवरवर्किंग क्या है? सबके लिए, उस बच्ची के लिए भी, बहनों के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, साधुओं के लिए भी, ओवरवर्किंग से बचो। लगता है दुकान नहीं चलती तो सवेरे 7 बजे दुकान खोल लेते हो और रात को 11 बजे तक दुकान में बैठे रहते हो, उसके बाद भी दुकान नहीं चलती
मान लो बिजनेस में सफल नहीं हो रहे हैं, कारखाना बंद हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का माल अटक गया है, तो गुरुदेव कहते हैं ओवर वर्किंग से बचो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत लो, कुछ नियति के ऊपर कुछ पुण्य के ऊपर भी छोड़ दो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पुरुषार्थ को गौण मत करो लेकिन निरंतर पुरुषार्थ में ही मत लगे रहो। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया, जैसे वो लकड़हारे को देखा है, लकड़ी काटते 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 उस थक जाता है तो बैठ जाता है, लेकिन बैठ करके भी वो बैठा नहीं रहता, जितनी देर वो थक करके बैठता है उतनी देर वो बैठे बैठे धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता रहता है। तो पहले ऐसा मार रहा था तो वहाँ शक्ति लग रही थी, अब जब बैठ गया है शांति से तो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए उसका बैठना भी जरूरी है, और धार तेज हो जाएगी तो वो जो पेड़ आप काटना चाहते हैं, वो चाहे पेड़ हो या कर्म हो, उसको काटने के लिए आपका साधन थोड़ा और धारदार बन जाता है। ओवर वर्किंग में किसी भी चीज को समझने का मौका नहीं मिलता। 2 घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रिलैक्स, थोड़ा बाहर निकलो, खुली हवा में देखना पसंद करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, कोई एक स्त्रोत्र पाठ या कोई सॉन्ग आपको पसंद है वो सुन लो, मेंटल प्रेशर को रिलीज करो, ओवर वर्किंग से बचो। स्टूडेंट हैं तो भी, बिजनेसमैन हैं तो भी, साधु हैं तो भी, साधु भी लगे रहते हैं ना, सुबह 6 बजे से ध्यान योग लगाना शुरू किया, शाम को 7:30-8 बजे तक क्लास 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 में पूरा दिन निकल जाता है चातुर्मास में, कितनी ओवर वर्किंग चलती है, 13-13 घंटे की वर्किंग साधु करता है, या 13 घंटे की वर्किंग आप अपने जॉब सेक्टर में भी करते हैं तो उससे भी आपकी क्षमता खत्म होती है। और सिर्फ ओवर वर्किंग से आपकी क्षमता कम नहीं होती, आपकी इंद्रियों की क्षमता भी ओवर वर्किंग से खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर जॉब है और कंप्यूटर जॉब में आप लगे हुए हैं कि आप दिन भर लैपटॉप चलाते रहते हैं, उस ओवर वर्किंग करने से कहीं ना कहीं आपकी नेत्र इंद्री में फर्क पड़ता है, रेटिना आईसाइट डिफेक्ट हो जाते हैं, दूसरी चीजों में सुनने वाला जॉब है या फिजिकल वर्क है, ओवर वर्किंग कहीं पर भी अच्छी नहीं है। अपनी क्षमता का अगर आपको विकास करना है तो आप ओवर वर्किंग से भी बचिए। गुरुदेव से पूछा, तीसरा कोई सूत्र भी है गुरुवर? गुरुदेव ने कितना विकास के लिए, कितने सजग हैं गुरुवर कि 2-20 सेकंड में वो क्या क्या नहीं सोच लेते हैं। उस बेटी को सामने निमित्त बना करके गुरुदेव सबको एक साथ संबोधन कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि अपनी क्षमता का विकास करने का तीसरा सबसे बड़ा सूत्र है, शिथिलता लाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दो। जिन वस्तुओं से आपके जीवन में शिथिलता आती हो, किन वस्तुओं से, मान लीजिए पुस्तक लेकर के एक स्टूडेंट बैठा तो कुर्सी टेबल में पढ़ता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर वो बिस्तर के ऊपर बैठ करके पढ़ता है तो वो कभी पढ़ नहीं सकता, 5 मिनट तक सीधा बैठ के पढ़ेगा, फिर उल्टा लेट करके किताब तकिया के ऊपर रखेगा, फिर धीरे से किताब को तकिया के नीचे दबाएगा, पंखा चालू करेगा और सो जाएगा। क्या है शिथिलता लाने वाली चीज़ें? बिजनेसमैन में शिथिलता लाने वाली चीज़ें क्या हैं? दुकान में बैठ गए और बैठ करके दुकान में एक टीवी रख ली, अब टीवी रख करके आप दिन भर टीवी में या तो मूवी देख रहे हैं या आप न्यूज़ सुन रहे हैं या आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो दुकान में टीवी का कोई काम नहीं है, वो आपको शिथिल करता है। अगर बिजनेसमैन है तो, साधु हैं तो शिथिलता लाने वाली वस्तुओं का त्याग करो, ऐसा भोजन का त्याग करो जिससे तुमको बहुत ज़्यादा प्रमाद आता है, ऐसी बातों का त्याग करो जिससे, ऐसे लोगों का भी त्याग करो जो तुमको आराम करो आराम करो आराम सफलता की कुंजी इससे न तपेदिक होती है, आराम शब्द में राम छुपा जो तन का दुबलापन खोती है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अनुभव से काम करो आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो। ऐसे भी समझाने वाले कुछ लोग होते हैं बंधुओं, साधु को भी, कोई साधु माला फेर रहा हो है 50 माला, दिन भर माली माला फेरत रहे छी और कछु काम नहीं है, ऐसा समझा देते हैं। अब इनको तो बस जो ही लगो है,
तो ऐसे साधुओं से भी बचो। साधु के लिए संदेश है कि जो शिथिलता लाता हो तुम्हारे जीवन में, जो ये कहता है आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो, ऐसे आराम करने वाले साधुओं के बीच से हट जाओ। कोई सिखाने वाला हो, भैया काम करो काम करो काम करो। कुछ लोग बोलते हैं अरे महाराज आप काम करो, अभी तुम्हारे ऐश करने के दिन है, तो करो तुम। उस आराम करने के चक्कर में पूरा राम बिगड़ जाएगा और जीवन में काम आ जाएगा, और काम आया और राम बिगड़ा तो तुम्हारा काम तमाम हुआ। गुरुदेव सबको समझाते हैं। तीसरा, क्षमता का विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, शिथिलता लाने वाली वस्तुओं का त्याग करो। वे शिथिलता चाहे तुम्हें भोजन से मिलती हो, चाहे बिस्तर से मिलती हो, और चाहे टीवी और मोबाइल से मिलती हो। सारे बहने, सारे गृहस्थ, सारी बच्चियां और सारे साधु इस तीसरे सूत्र को भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुनने के साथ थोड़ा लिखने का भी प्रयास किया करो। क्यों? अगर मान लीजिए जीवन विकास के ये वो अमूल्य सूत्र हैं जो विनम्र सागर महाराज के मुख से निकल रहे हैं, लेकिन देशनाकार गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। सूत्र मेरा नहीं है, सूत्र गुरुवर ने दिया है, और उसी गुरुवर के उन्हीं गुरुवर के उन सूत्रों के कारण ही इस सृष्टि पर विकास संभव है। क्यों विकास संभव है? तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाई। महाराज जी कहते हैं कि अपेक्षा रहती है, कुछ अपेक्षा शरीर की रहती है मनुष्य को। शरीर रहता है ना, आपका शरीर है, हमारा शरीर है, इस शरीर की कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। उसको भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, कुछ इंद्रिय के सुख चाहिए, इन्हीं चीज़ों में वो फंसा रहता है। इस शरीर की अपेक्षाओं से जब आदमी थोड़ा सा ऊपर उठता है तो उस व्यक्ति से समाज को अपेक्षा पैदा हो जाती है। समाज उस व्यक्ति से अपेक्षा करती है कि अगर आप अपने भौतिक संसाधनों में संपन्न हो गए हैं और ऊपर उड़ गए हैं तो समाज आपकी तरफ टकटकी लगा के देखती है कि आप समाज को कुछ दो। तो समाज को देना भी मनुष्य का कर्तव्य बनता है। और तीसरी अपेक्षा शरीर से और समाज से उठने के बाद युग की रहती है। पूरा का पूरा युग आपसे अपेक्षा करता है कि आप दिव्य पुरुष हैं, आप हमें कुछ दीजिए। तो गुरुवर की ये देशना उन दिव्य पुरुष की देशना है जिसके जिनकी देशना को सुनने के लिए पूरी विश्व टकटकी लगा करके उनकी तरफ देखता है और बोलता है आप कुछ दीजिए। ऐसे महापुरुष की ये पवित्र देशना है। उस देशना में गुरुदेव ने विकास बढ़ाने का, क्षमता बढ़ाने का तीसरा सूत्र दिया कि शिथिलता लाने वाले वे सारे संसाधनों का त्याग करो। भौतिक संसाधन बहुत सारे हैं बंधुओं, हम पढ़ने बैठते हैं और ऊपर एसी चालू कर लेते हैं, ठंडा सुनेंगे करेंगे, बगल में नारियल पानी रख लेते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी रख लेते हैं, एक बिस्लरी की बोतल रख लेते हैं, थोड़ी सी दो चार लोग पार्ले जी का बिस्किट रख लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। उनको लगता है इससे पढ़ाई होगी। जिनका एडिक्शन इन चीज़ों में है उनका एडिक्शन कभी भी पढ़ाई में नहीं हो सकता। विद्यार्थी जीवन में कभी भी आप सोच लीजिए कि जो भी विद्यार्थी सुविधा भोगी होकर के विद्या का अर्जन करना चाहता है, जो साधु सुविधा भोगी होकर के साधना का अर्जन करना चाहता है, जो गृहस्थ सुविधा भोगी होकर के धन का अर्जन करना चाहता है, जो ब्रह्मचारिणी सुविधा भोगी होकर के और अपनी साधना का अर्जन करना चाहते हैं, गुरुदेव कहते हैं सुविधा भोगी को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, फिर किसी भी क्षेत्र की साधना बहुत फलवती होती है। आप देखिए घर में वो पिताजी रहते हैं, मई की गर्मी में पंखे में कैसा पसीना बहाते हुए दिन भर दुकान में लगे रहते हैं। उस समय ना उनको एसी दिखता है, ना कूलर दिखता है, ना ठंडा पानी दिखता है, ना भोजन दिखता है, बस क्या दिखता है, आने दो, आ रहा है तो सुबह से लेकर शाम तक आने दो, इसके बिना काम नहीं चलता। तो उतनी साधना जितनी एक साधु भी करता है उतनी साधना तो एक गृहस्थ भी करता है। दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर होता है। एक को भोग की चिंता रहती है और एक को योग की। उस बच्ची को निमित्त बना करके गुरुदेव ने कहा कि अगर अपनी क्षमता बढ़ानी है ना बेटा तो शिथिलता लाने वाली संसाधनों का त्याग करो। चौथी चीज गुरुदेव ने कही कि अगर अपनी क्षमता का विकास करना है तो, हाँ गुरुवर, पर्याप्त नींद लेना भी सीखो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज
मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइस। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब हमको ये सिखा दिया था उसके, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता था। गुरुदेव ने कहा तब बात समझ में आई कि पर्याप्त नींद लेना भी अपनी क्षमता का विकास करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। शरीर दिन भर काम करते करते थक जाता है, शाम को 7, 7:15, 8 बजे आपके शरीर में थोड़ी शिथिलता का वातावरण बनता है। कभी आप देखिएगा कि शाम के समय एक निश्चित समय पर आपको रोज जम्हाई आती है, 7:35 का टाइम हो सकता है, 7:40 का हो सकता है या 8:15 का हो सकता है, किसी के बायोलॉजिकल क्लॉक 8:30 पे सेट है, जम्हाई आएगी, आप थोड़ा सा बोलेंगे शरीर टूट रहा है। उसके बाद रोशनी की चकाचौंध, मोबाइल की चकाचौंध, आपकी ऊर्जा, गाड़ी, लोग, संबंध, इस चक्कर में आप अपनी नींद को गौण कर देते हैं, और एक बार वो नींद के स्तर से आप छूटे तो सीधे वो नींद आपको फिर रात में 2 बजे, 1:30 बजे, 12:30 बजे आती है। तो इसमें आपका पूरा फिजिक खराब होता है, और फिजिक खराब होने से आपकी मेंटेलिटी खराब होती है, दिन भर अकड़न रहती है, जकड़न रहती है। तो सबके पर्सों में सफेद लाल नीली गोली एक एक रखी रहती है। महाराज 40 साल के जब से हुए, 45 साल के, क्या करे, दिमाग में 24 घंटे हल्का हल्का दर्द बना रहता है, हल्का हल्का दर्द 24 घंटे यहां दर्द ही देता रहता है महाराज जी। अब क्या करें, दर्द बना रहता है तो कैसे समझाएं कि पर्याप्त नींद लेना भी एक बहुत बड़ा कौशल है। योगी की नींद का समय अलग है, भोगी की नींद का समय अलग है, लेकिन सबको नींद लेना भी पर्याप्त है। अपनी क्षमता का विकास करने के लिए बिल्कुल निश्चित समय पर सोने की कला भी सीखनी पड़ती है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। क्यों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। जिसकी जो मर्जी आए सो करो, सबके मोबाइल में 5G है, अच्छा हाई स्पीड का इंटरनेट है, अपना अपना मोबाइल है, जिसको जब जहां जितना चलाना है चलाओ, रोक टोक बिल्कुल मनाही है। महाराज क्या, हम मॉडर्न जमाने के घर के लोग महाराज कैसे किसी को रोकेंगे, बच्चे मानते कहाँ है महाराज जी, आप भी समझा दो इसको, लड़का तुम्हारा समझाए हम है, शुरुआत से दे दिए होते तो समझा देते। 22 साल का हो गया उसके बाद बोलते हैं महाराज जी लड़का बिगड़ गया समझाओ। अरे जब 5 साल का था तब हमारे पास लाते, तब हम उसको बताते कि हाँ समझाना किसको कहते हैं। इस सभा में एक पुत्र ऐसा, लड़का ऐसा भी बैठा है जो हमारी गोदी में खेला पड़ा है, आज वो इतना अच्छा है कि उससे जितनी बार एक बात में कह दी जाए वो तुरंत मान लेता है कि हाँ आपने ऐसा कहा और हम ऐसा कर लेते हैं। जब भी ऐसा लगे कि हम अपने बच्चे का विकास नहीं कर पाएंगे, शुरुआती माहौल में ही आपका कर्तव्य बनता है कि गुरुओं के चरणों में ले जाकर के उसको छोड़ दो, पढ़े लिखे कुछ करे नहीं करे बैठे रहो वहीं पे, बैठे रहना, महाराज जी जो करे सो काम कर देना, हाँ ये कमंडल वहां रख दो, सामान उठा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन संपर्क में आकर के बच्चे सुधर जाते हैं। तो चौथा सूत्र है कि पर्याप्त नींद लो। पांचवा सूत्र गुरुदेव ने विकास का दिया, कसाय उत्पन्न करने वाले निमित्तों का त्याग करो। साधु के लिए भी, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी, एक गृहस्थ के लिए भी, एक ब्रह्मचारिणी के लिए भी, चारों के लिए ये सूत्र लागू हुआ। अगर अपनी क्षमता का विकास करना है आपको, तो आप जैन हैं, अजैन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी क्षमता का विकास करना है तो कसाय उत्पन्न करने वाले हर निमित्त का त्याग करो। ऐसे आपकी दुकानों में भी कितने लोग आ जाते हैं जो शाम को आ जाएंगे चूना तमाकू खाते हुए, काय भैया क्या चल रहा है बस, और अपन क्या हुए शुरू हो गए, अपन क्या शुरू हो गए, अरे आओ बैठो बैठो बैठो, क्यों, अरे भैया आपका तो कहने ही क्या है, दिन भर कितनी दुकान चलती है, कितनी सेवा करते हो, उसने थोड़ी सी मांग कसाय भड़काई, हम फूल के गुप्पा छाती बाहर, अद बताओ यार क्या भाई क्या चल रहा है, अरे भैया क्या बताएं, उसके घर में ऐसा है और वहां ऐसी परिस्थिति बन गई है, लेकिन आपका तो बहुत बढ़िया, अरे हम तो ऐसा करते ही नहीं, हमारे घर का स्टैंडर्ड देखो, तरीका देखो, ये देखो वो देखो, हमने अपनी झाड़ी उसने अपनी उतारी और चलता बना, आपको मान कसाय के सिंहासन में बैठाया उसने अपना काम साधा, अरे भैया वो क्या अभी हमारा पेमेंट आया नहीं, अगर 12-15 हजार मिल जाता तो, ऐसे खुजाता रहेगा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा,
अरे ले जाओ ना, कोई बात थोड़ी है, ले जाओ ले जाओ। अब उसने 15,000 साधा, दूसरी दुकान में बैठ के देखा, फिर क्या बोलता है, हाँ बे मूरख चंद थे, उन्हें थोड़ी मूरख बनाओ, 15,000 हाथ में आए, अब 5 दिन को काम चले, बाद में देखी जाए। ऐसे संसार में कई लोग हैं बंधुओं, ठगने वाले। हमने तो सिर्फ सुनी सुनी बात है, आप लोग तो भोगते हो गए। जो भी आपकी मांग कसाई को थोड़ा उद्वेलित कर दे, फिर तो आप फूल के गुप्पा। तो जो भी कसाई उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वो गृहस्थ के जीवन में हो, चाहे वो संत के जीवन में हो, या फिर चाहे किसी ब्रह्मचारिणी त्यागी व्रति के जीवन में हो, प्रत्येक व्यक्ति को अगर अपनी क्षमता का विकास करना है, जिस भी निमित्त से कसाय पैदा होती है क्रोध मान माया लोभ की, उस निमित्त का त्याग करो, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत सरल और सटीक सूत्र है, गुरुवाणी है बंधुओं, ये देशना बेकार नहीं जाती, बस हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हम अपने रथों में ऐसे बैठे हैं कि भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था, अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम रथ अपना चलाओ, अपने ही रथ में रहो, बस एक काम करो, घोड़े अपने रथ में मेरे जोत लो, रथ तुम्हारा तुम उसमें चलो, बस घोड़ा हमारा जोत लो, फिर दुनिया में तुमको कोई हरा नहीं सकता। इस गुरुवर भी इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि शरीर तुम्हारा, जिंदगी तुम्हारी, सिर्फ विवेक का घोड़ा हमारा, हमारे विवेक के घोड़े से अपनी जिंदगी जी के देखो, देखो तुम्हारी जिंदगी अगर सूर्य के रथ में परिवर्तित होकर के शानदार ना बन जाए तो कहना। गृहस्थी ही जीवन में जीना है, लेकिन सूत्र गुरुवर के लगाओ, घोड़े गुरुवर के जोतो अपने में, क्योंकि तुम्हारे पास घोड़ा है ही नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ गधों की फौज है। घोड़े हैं नहीं, वो घोड़े गधे शुरुआत में एक जैसे दिखते हैं, कभी देखना पास में जाकर के, कई बार देखना पड़ता है घोड़ा है कि गधा है, घोड़ा है कि गधा है। ऐसी तुमको भी कई बार लोग बहुत करीब से जब देखते हैं तो पहले तुम घोड़ा दिखाई देते हो, जब बहुत सारा जीवन में जी लेते हैं, साथ में रह लेते हैं, तो भी माथा फूटता है, भगवान गधा हाथ में आ गया। ऐसा होता है बंधुओं, शुरुआत में दूर से दिखने वाली चीज अच्छी, साफ सुंदर, सटीक और काम की दिखती है, हाथ में आने के बाद वो चीज बेमानी दिखाई देती है। अगर विवेक का घोड़ा गुरुवर का तुम्हारे जीवन के रथ में जुता है तो तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। गुरुवर से पूछा कि महाराज और भी कोई सूत्र है? गुरुवर इन भौतिक संसाधनों को भी समझने लगे थे। गुरुवर कहते हैं मोबाइल रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने का पूरा प्रयास करो, तब जाकर के तुम्हारी क्षमता का विकास होगा। क्योंकि जब आप कोई भी एंड्रॉयड चलाते हैं बंधुओं, उसमें से भले आपको लाल नीला हरा काला पीला निकलता हो, दिखता हो, लेकिन उसमें से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं। वायलेट किरणें निकलती तो भी ठीक था, उस वायलेट में भी अल्ट्रा वायलेट निकलती हैं। जैसे आप एक कोई पेन चलाते हो और उस पेन में भी कोई माइक्रोफाइन का पेन चलाते हो, तो जब माइक्रोफाइन का पेन चलाते हैं तो आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन उसके लिए आपको कीमत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ती है माइक्रोफाइन करने के लिए। कोई भी सटकुटी पीपल है, आपने देखा है वो एक औषधि के लिए पीपल का उपयोग करते हैं, पीपल है वो काली लेनी पीपल, उसको 100 बार कूटो तो उसकी शक्ति अलग है, 1,000 बार कूटो तो जितना वो कूटती है उतना वो माइक्रोफाइन होती चली जाती है, और जितना वो माइक्रोफाइन होती चली जाती है उतनी उसकी उसकी पोटेंशी बढ़ती चली जाती है। तो ये वायलेट किरणें निकलती हैं मोबाइल से तो ठीक था, इसमें वो साफ साफ कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो आपके आँखों में मोटा चश्मा और सिर दर्द इतनी जल्दी पैदा करती हैं कि हर बच्चा कहता है महाराज अभी 5th क्लास में था लेकिन इसको चश्मा लगने लगा। छोटी सी उम्र में जब तक इंद्रियों की क्षमताएँ पर्याप्त हैं तब तक तो आप अपनी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर लो, लेकिन जिस दिन क्षमता जवाब देना शुरू करती है उस दिन आदमी इलाज कराते कराते थक जाता है, कोई इलाज नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने उस बच्चे के बहाने सबको ये सूत्र दिए हैं, साधुओं को भी कहा, आर्यिकाओं को भी कहा, ब्रह्मचारियों को भी कहा, उन गृहस्थों को भी कहा और बच्चों को भी कहा कि मोबाइल के रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने का प्रयास करो। बच्ची चुपचाप गुरुवर को देख रही थी हाथ जोड़ करके,
गुरुवर बोले, समझ में आ गया कि और बताएं? हाँ आचार्य जी, आप कुछ और बता दीजिए। तो गुरुवर एक और सूत्र दे देते हैं कि अगर अपनी क्षमता का विकास करना है तो ओवर ईटिंग से भी बचो। ओवर ईटिंग क्या है? ओवर ईटिंग तो आप समझते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल 726 पॉइंट में छू गया है, गए बद्री की दुकान में और बढ़िया पहले खाना खाया, उसके बाद चार आइसक्रीम खाई, उसके बाद कुछ और खाया, फिर एक पान का पीस दबाया, घूमते फिरते चले आए। क्यों? अरे हो गया, अब चलता है, कल ठीक कर लेंगे, परसों ठीक कर लेंगे। तुम ठीक करो या नहीं करो, कर्म तो तुमको ठीक कर ही देगा बंधुओं। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं उसको हमेशा चीता के जैसा पेट रखना चाहिए। चीता जैसा पेट कैसा? कि हाथी का पेट फूला दिखाई देता है, भैंस का पेट फूला दिखाई देता है, चीता जितना फुर्तीला और वफादार और तेज तर्राट होता है उसका पेट कभी भी आपको फूला दिखाई नहीं देगा। कभी भी देख लीजिए किसी भी चीते का, पूरा भोजन भी कर ले पेट भर ले उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ दिखाई देगा। तो ओवर ईटिंग करने वाले बीच का मध्य लोक का विस्तार खूब करने लगते हैं, ऐसा फैलता जाता है, ना टी शर्ट में समाता है ना किसी दूसरे वस्त्र में। क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, द्विगुण द्विगुण विस्तार। बोले दो गुना ये पेट रोज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? सूत्र बताते तत्वा सूत्र का, ऐसा क्या हो रहा है? द्विगुण द्विगुण विस्तार। क्यों बढ़ा रहे हो? ओवर ईटिंग का खेल है। ओवर ईटिंग करेंगे तो ओवर स्लीपिंग करेंगे, ओवर स्लीपिंग ओवर ईटिंग करेंगे तो अपनी क्षमता का विकास तो नहीं कर सकते। धन के उपार्जन करने वाले, विद्या का उपार्जन करने वाले, साधना का उपार्जन करने वाले, वे चुस्त दुरुस्त और चीते के जैसे होने चाहिए, ना कि हाथी और भैंस के जैसे। लेकिन कुछ लोग तो बस किसी ने कह दिया, अरे महाराज बहुत दुबले दिख रहे हो, सूख करके कांटा हो गए, वे महाराज चक्कर खा के गिर गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज दिन भर में 25-30 लोग आए, सबने एक ही बात कही, क्या? देखो महाराज जी कितने दुबले हो गए हैं। हमको लगा सही में दुबले हो गए हैं, जब कांटे में वजन रखा अपना खड़े हुए तो वो कांटा घूमता ही रह गया, ऐसा पूरा घूम रहा था, 100 छूने को है। लेकिन दूसरा बोलता है महाराज कितने दुबले हो गए, हमारे साथ की घटना है, हमारे साथ घटी, जितनी भी बार कोई आता हमसे कहता महाराज जी बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। हमने कहा कहीं से दुबला तो दिख नहीं रहा हूँ, इसको कहाँ से दिखता है? तो हमने बोला भैया एक वजन तोलने की मशीन ला के दिखाऊँ, देखें तो कितना है। देखा तो जितना था उससे 5-7-8 किलो बढ़ा मिला। हमने कहा आँखें में इसके खराबी है कि हमारा शरीर खराब है, क्या है? फिर 5-7 साल बाद समझ में आया इस बात को कि श्रावकों का तो ये काम है झूठ बोलने का, कि वो जाएं और बात करने की शुरुआत करना है तो कैसे करें? अरे महाराज जी कितने सांवले हो गए, कितने दुबले दिखने लगे, बिल्कुल आहारचर्या अच्छे से नहीं हो रही क्या? तो साधु को भी लगता है अरे हाँ मैं बहुत दुबला हो गया, वजन तौल के देख लो समझ में आ जाएगी, वे साधु रोज बढ़ाते आधा किलो। लेकिन साहब को काम था शुरुआत में उसकी उस बात को सुनकर के हम गाफिल हो गए, बाद में समझ में आई वो कितना दुबलो कहे और मोटो कहे उसकी बात नहीं सुननी है, तब जाकर के स्वयं के वजन को स्थिर कर पाए, नहीं तो घटाने बढ़ाने में लगे रहते थे। वो महाराज जी हरीरा खा लो आप बहुत दुबले दिख रहे, खा तो लिया पचाना मुश्किल। तो ओवर ईटिंग भी आपकी पूरी लाइफ का मैनेजमेंट बिगाड़ देती है। ओवर ईटिंग से बचिए और प्रॉपर ईटिंग की शुरुआत करिए कि भैया हमको जिस समय जो चाहिए है उतना दे दो। आपको लगता है कि रात में 2 घंटा 2.5 घंटा हमको काम करना है और ओवर ईटिंग के चक्कर में हमको नींद जल्दी परेशान करती है, जब फिर जल्दी आती है तो अपने आहार को थोड़ा इतना संतुलित कर लें कि आप पर्याप्त तरीके से अपना काम कर सकें, साधु अपना ध्यान कर सकें, विद्यार्थी अपने आप को पढ़ लिख करके संवार सकें। ये सारे कामों के लिए कहीं ना कहीं ये देशना ओवर ईटिंग की भी बहुत जरूरी थी। गुरुवर तो प्राग्रह प्राप्त समस्त सास हृदय प्रव्यक्त लोकस्थ इति वाली जीवन शैली है कि प्रश्न उठने से पहले उठने वाले प्रश्न का उत्तर गुरुदेव के दिमाग में बैठा हुआ मिलता है। कुछ काम नहीं है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट रात को 12 बजे जोमेटो से या तो चिप्स बुला लेते हैं, कॉफ़ी बुला लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बुलाते हैं, रात को 12 बजे बुलाते हैं, वो खा भी लेते हैं। क्या CA की पढ़ाई चल रही है? एक बोलते हैं मेरा MBA चल रहा है,
अच्छा तुम्हारे MBO CA चलने से क्या होने वाला है भाई? ये ओवर ईटिंग के चक्कर में तुम पिता का पैसा तो खराब कर सकते हो, लेकिन अपना सुधार नहीं कर सकते। गुरुदेव इतने शालीन तरीके से समझाते कि अगर आपको अपनी क्षमता का विकास करना है तो आप ओवर ईटिंग से भी बचिए। उसके बाद गुरुदेव से एक और पूछा कि गुरुवर कुछ और भी? तो हाँ, गुरुवर ने एक और अच्छा सूत्र दिया। गुरुदेव कहते हैं, अपनी क्षमता का विकास करना है तो सलाह लेना सीखिए। सलाह भी किसकी? कि जिसकी लेने योग्य हो, नहीं तो कोई भी रास्ता चलते से पूछने लगते हैं, का बताओ भैया ऐसे होगा अब हम क्या करिए, ऐसे होगा हम क्या करिए से एक बात नहीं बनने वाली है। जो अच्छे गुरु हो, प्रज्ञावान हो, समझदार हो, स्थिर हो, स्थविर हो, इंटीग्रेटेड हो, जिनकी जड़ें अच्छी जमी हुई हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए कि मेरा विकास नहीं हो पा रहा है, आप मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ गलती कर रहा हूँ। जब आप इतना बहुत स्नेह से पूछते हैं तो सामने वाला आपको बता देता है। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा भी कि महाराज जी हमको सब आता है, पूरी किताब याद है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेल कहाँ पे हो रहा हूँ। हुआ एक बार ऐसा कि एक व्यक्ति को सलाइन चढ़ाई एक डॉक्टर ने, MD मेडिसिन ने एक सलाइन चढ़ाई। अब सुई प्रॉपर है, सलाइन की बॉटम प्रॉपर है, चढ़ी ऊपर है, आदमी का ठीक है, नस दिख गई है, सलाइन डाला। सलाइन डालने के बाद भी देख रहा है डॉक्टर, एक बूंद भी ऊपर के सलाइन में जो पानी है वो अंदर इंजेक्ट नहीं हो रहा। BP चेक करता है, छू के देखता है, सब करता है, लेकिन इंजेक्ट ही नहीं हो रहा है, एक बूंद भी उस बॉटल से निकल करके अंदर नहीं जा रही। अब डॉक्टर MD मेडिसिन सोचता है कि मैं MD मेडिसिन हूं, मैं किससे सलाह लूं, क्या करूं। कुछ भी इलाज किया, 20 मिनट तक परेशान होते रहे, उसका हाथ सूजने लगा, फूलने लगा, कुछ उपाय नहीं दिखा। फिर धीरे से कंपाउंडर आता है, कई बार कंपाउंडर दिमागदार निकलते हैं, कंपाउंडर आता है, कुछ नहीं। कंपाउंडर आया, उसने नीचे की अपनी जेब से एक सुई निकाली और बॉटल में एक छेद कर दिया। जैसे ही बॉटल में छेद किया और हवा पास हुई और अंदर पानी जाना शुरू कर दिया। तो कई बार अकलमंद भी अकलबंद हो जाते हैं। तब लगे कि अपन अकलमंद होने के बाद भी अकलबंद हो गए हैं, तो कभी किसी कंपाउंडर जैसे व्यक्ति से भी पूछ लेना पड़ता है। घर के छोटे से भी कभी पूछ लो, कोई बुराई नहीं है, और कभी बड़े व्यक्ति से भी पूछ लो कि मुझे अपनी क्षमता का विकास करना है लेकिन ये विकसित नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो बता देगा आपको कि भैया आप ऐसा इलाज कर लो। तो ये कुछ ऐसे जीवन को क्षमता बढ़ाने वाले सूत्र थे, गुरुदेव बताते रहे। और उसके बाद जब गुरुदेव ने अपने सारे सूत्र बता दिए, उसके बाद गुरुदेव ने अपने जीवन के अनुभव का एक और पवित्र सूत्र कहा। गुरुदेव कहते हैं, किसी भी घर को अच्छा चलाना हो, किसी भी घर को, किसी भी संस्थान को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्तित्व को अपना निर्माण करना हो, घर को अच्छा चलाना हो, तो कोई भी घर सौंदर्य से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्नी सुंदर है इसलिए घर अच्छा चल रहा है, तो गलत फहमी में है। पत्नी भी अगर ये समझती है कि हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा है इसलिए पति हमको संभाल के रखा है, तो गलत फहमी में है। गुरुदेव कहते हैं, कोई भी घर सुंदरता से नहीं चलता, सौंदर्य से नहीं चलता, कोई भी घर सत्ता से नहीं चलता, कोई भी घर संपत्ति से नहीं चलता, कोई भी घर सहन शक्ति से चलता है। घर के अंदर, संस्थान के अंदर, संघ के अंदर, समूह के अंदर सौंदर्य का, सत्ता का, संपत्ति का कोई काम नहीं है। वहां सिर्फ एक शक्ति काम करती है, सहन शक्ति। अगर सहन शक्ति से आप फेल हो जाते हैं तो कोई भी यूथ का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। गुरुदेव का ये अपना एक पवित्रतम सूत्र था कि घर अपनी सहन शक्ति से चलता है, ना कि संपत्ति से। अगर आप सोचते हैं संपत्ति से चलता है, गलत बात। आप खुद देख लीजिए कितना कुछ घर के अंदर रह करके अपने आप में सहन करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बच्चे भी सहते हैं तो बड़े भी सहते हैं, पत्नी सहती है तो पिता भी सहता है। कई बार पिता का विवेक सही काम करता है, बच्चे गलत काम करते हैं, पिता चुपचाप सह लेते हैं, क्या करें, घर है, बच्चा है, किससे कहें, सह लेता है चुपचाप। कई बार माँ सह लेती है, कई बार परिवार वाले सह लेते हैं, कई बार पूरी समाज भी आपका कर्तव्य सह लेती है। अपने जीवन में कभी भी एकांत में बैठ करके एक बार
अपने जीवन के बैग को देख करके टटोल के पूछना अपने आप से, तुम्हारे गलत कामों को कितने लोगों ने शालीनता से सह लिया। कभी तुमने कोई अपराध किया हो, कभी अपवाद किया हो, कभी कुछ बात कही हो, कभी किसी को बुरा कहा हो, कभी संपत्ति का नुकसान किया हो, कभी गलत निर्णय ले लिए हो, ऐसे कितने जीवन में एक बेकार समीकरण बने तुम्हारे, तुमको तुम्हारे पिता ने, माँ ने, पुत्र ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कितना सहा है, और लगे कि हमारे जीवन के विकास में जब तक इन लोगों ने ना सहा होता तो हमारा विकास ना हुआ होता। एक बार उनसे क्षमा याचना जरूर करना और कहना कि जीवन के विकास में आप भी हमारे एक गुरु हैं, उस दिन अगर आपने सहा ना होता तो आज मैं यहां पे रहा ना होता। तो परिवार चलता है सहन शक्ति से। जब ये पूरे के पूरे संवाद उस कन्या के खत्म होते चले तो गुरुदेव से एक दूसरी कन्या खड़े होकर के पूछती है, क्या गजब का प्रश्न पूछती है। मैं तो गदगद था उस दिन जब इतना बड़ा लंबा चौड़ा संवाद हो गया। दूसरी बालिका खड़े होकर के माइक लेकर के पूछती है, गुरुदेव आप इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी के पद पर बैठे हैं, क्या हम लोगों को आपके साथ एक सामायिक करने का सौभाग्य जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। ये ऐसा ज्वलंत और जानदार प्रश्न था कि आचार्य श्री जी सिर्फ मुस्कुरा सकते थे। उस बच्ची ने कहा कि हमें आपके साथ बैठ करके एक सामायिक करनी है। आचार्य श्री जी क्या कहते उस मामले में? आचार्य श्री जी मुस्कुरा दिए और आहार चर्या करने के पश्चात, गुरुदेव प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ अगर आपने कभी जबलपुर का देखा हो तो उसमें एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, जो पहले भोजनशाला थी फिर उसको मेडिटेशन हॉल में कन्वर्ट कर दिया। वो 25 मुनिराजों की दीक्षा स्थली भी है, उसमें मेरा नाम भी आता है। उस स्थान पर जाकर के गुरुदेव उस बालिका के उस मनोभाव को पूर्ति करने के लिए, गुरुदेव आहार के पश्चात सीधे उठे और उस मेडिटेशन हॉल में जाकर के बैठे। हम लोग प्राय करके अपने कमरे में ईरावत भक्ति करते थे, लेकिन गुरुदेव ने सबको बुला लिया कि यही हॉल से भक्ति कर लो। और हॉल से भक्ति करने के बाद गुरुदेव भक्ति करी, आवर्त किया और उसी पूरे खुले हाल में समाय के लिए बैठ गए और धीरे से मुस्कुरा के कह दिए, हाँ लोगों को हमारे साथ समाय करनी थी तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। उस दिन की वो समाय का दृश्य देखने लायक था, जब प्रतिभा स्थली की 150 सुपर ब्रह्मचारिणियां, बच्चे, मुनि महाराज सबने गुरुवर के साथ बैठ करके दोपहर की सामायिक की थी। गुरुदेव कितने दयालु हैं, आप देखो कितने दयालु हैं कि एक बच्ची ने कहा कि जीवन में क्या हमें कभी आपके साथ सामायिक करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। और उस सौभाग्य को प्राप्त कराने के लिए तीर्थंकर जैसी सत्ता धरने वाले गुरुवर स्वयं मेडिटेशन हॉल में आकर के बैठ गए, सामायिक करे, पूरी 1.5-2 घंटे की सामायिक स्त्रोत पाठ, सारी ब्रह्मचारिणियां, सारी बहनें एक साथ बैठी थीं, निरंतर एक एक ब्रह्मचारिणी और बेटियां गुरुदेव की उस मनोहर छवि को, जब वो सिद्धों से बातें करने के लिए अपने आसन लगा करके स्थिर होकर के बैठ गए, लगातार 1.25 घंटे तक मौन देशना हजारों लोगों ने गुरुवर की उस दिन सामायिक के दिन सुनी। कितना गजब का माहौल था, देखने लायक माहौल था। आज भी वो दृश्य को याद करता हूँ तो अंदर मन में वो विशुद्धि का भाव और रोमांच उठता है कि गुरुवर की वो दोपहर की सामायिक में उनके सानिध्य में बैठ करके सामायिक कर लेना सिर्फ पुण्यशाली लोगों के बस की बात है। उस दिन गुरुवर ने सबका पुण्य एक साथ जगाया। कितने क्या दयालुता की क्या परिभाषा हो सकती है, आप देखिए। फिर एक सामायिक का कार्यक्रम संपन्न हो गया, सब हो गया, दोपहर की कक्षा लगती थी। उस कक्षा के पश्चात शावकों के लिए गुरुदेव 5-10 मिनट दे दिया करते थे, शावकों के लिए 5-10 मिनट दे दिया करते थे। गुरुदेव छूट देते थे शावकों को कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकता है। तो एक दिन अजीबोगरीब प्रश्न आते हैं गुरुवर के पास, बहुत अजीब अजीब प्रकार के। किसी ने गुरुवर से पूछा, महाराज ये मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं? क्या जवाब है आपके पास? मंदिर में कई लोग मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, क्यों फोड़ते हैं? गुरुवर का जवाब कितना सटीक था। गुरुवर कहते हैं
नारियल भारतीय संस्कृति में सिर का प्रतीक माना गया है। जब आप किसी को नारियल चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नारियल चढ़ाया है, इसका मतलब है कि हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में नारियल के माध्यम से रख दिया है गुरुवर। अब उस मस्तिष्क में कुछ दूषण भी होते हैं अहंकार के, तो नारियल फोड़ना ये घोषित करता है कि हमारा जो मस्तिष्क हमने आपके चरणों में चढ़ाया था, इसमें जो अहंकार था मैंने अपने हाथ से फोड़ दिया। क्या जवाब है गुरुवर का? और उसमें भी गुरुवर बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति में महिलाएं कभी नारियल नहीं फोड़ती। तो पूछा क्यों नहीं फोड़ती? गुरुवर कहते हैं महिलाएं सिर्फ सर्जन करने में प्रवीण है, उनको सर्जन करने का दायित्व दिया गया है, फोड़ने का काम महिलाओं का नहीं। आप हमारी बात समझ रहे हैं? चाहे घर में हो या समाज में या परिवार में, फोड़ने का काम महिलाओं का नहीं है बंधुओं, फोड़ने का काम पुरुष का हो सकता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। तुम्हारी माँ हमको दोपहर में ऐसा कह रही थी, कौन समझाएगा तुम्हारी माँ को? हैं, बोलो क्या सोच करके लाए थे? हैं, यही सुनाने के लिए लाए थे? ऐसा जब पति के कान में वो महिला कहती है बंद कमरे में, पति सोचता है यार कल तक तो मेरी माँ अच्छी थी, आज क्या हो गया, इसको पत्नी के आने के बाद बिगड़ गई, क्या हो गया? कुछ नहीं, फोड़ने की कला महिलाओं ने सीख ली है। जबकि गुरुवर कहते हैं उनके हाथ में सिर्फ सर्जन है, वो सर्जन करना चाहती है, फोड़ने की कोई भी बात होती है, नारियल भी फोड़ना होता है। अभी चौके में भी आप देखिएगा कभी महिला फोड़ने का काम नहीं करती, वो कहती है सुनो ये नारियल फोड़ के दे दो। क्यों? फोड़ने का काम तुम्हारा है, फिर पीस करके खाने का काम हमारा है। ऐसा गुरुवर से पूछा। दूसरे ने एक दिन पूछ लिया, गुरुदेव ये तिलक लगाने की परंपरा क्या और कैसी है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कि जैन दर्शन में सुना है कि नाभि के ऊपर तक 9 स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। गुरुवर जवाब देते हैं कि ये तिलक ऐसा नहीं लगाया जाता जैसा आप लोग लगाते हैं। तिलक ठंडी गर्मी में अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। ठंडी के दिनों में कस्तूरी का, केसर का, अगर का तिलक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों आंखों के बीच में जहां पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, यहीं पर सुषुम्ना नाड़ी रहती है। ये सुषुम्ना नाड़ी ठंडी के दिनों में जो ध्यान का केंद्र मानी जाती है, उसकी ऊर्जा शांत होने लगती है। तो जब हम ठंडी के दिनों में सुषुम्ना नाड़ी में केसर का तिलक लगाते हैं या फिर इसमें कस्तूरी का या अगर का तिलक लगाते हैं, तो शरीर में ऊर्जा मिलने लगती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारी ध्यान की स्थिति बन जाती है। हमारा सौंदर्य तो बढ़ता ही है, हमारी ध्यान की शक्ति और हमारे शरीर के अंदर तेज भी बढ़ता है। इसलिए ठंडी के दिनों में कस्तूरी का, अगर का और केसर का तिलक लगाया जाता है। गर्मी के दिनों में चंदन घिस करके उसमें कपूर मिला देते हैं और चंदन में कपूर मिला करके इस सुषुम्ना के स्थान पे, कान के स्थान पे, हाथ में, कमर में, हृदय में, ऐसे 9 स्थानों में तिलक लगाने की व्यवस्था बताई गई है। लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है। बुंदेलखंड में कोई भी जाओ, वो लकड़ी का एक मूठा रखा रहता है मंदिर में, उसको घिस दिया, उसमें भी सड़े हुए पड़े हुए जमीन के पड़े हर श्रृंगार के फूल घिसे गए, ऐसा टीका गोल लगाया, लॉजिक को समझा नहीं, उठ के चले आए। और वो टीका लगाने का अच्छा लगता है, पीला, नीला, हरा, लाल तरीके का, तो वो कलर बदल बदल के लोग लगाते रहते हैं। जबकि उसके लगाने के पीछे के उद्देश्य भारतीय संस्कृति में निश्चित है कि इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के टीका लगाया जाता है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्नों का गुरुवर ने बहुत खूब कई बार जवाब दिया है। एक और जवाब मुझे दिखाई देता है कि एक बार गुरुवर से किसी ने पूछा कि महाराज ये जो लोग दान देते हैं, उस दान देने में लोग 11 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं, 31 देते हैं, या 11 लाख की बोली लेते हैं, या फिर 21 लाख की देते हैं, 51 लाख, 1 करोड़ 31 लाख, 5 करोड़ 51 लाख, तो ये एक का अंक बढ़ा क्यों देते हैं? ये बढ़ाने से क्या मतलब है? गुरुवर क्या जवाब देते? गुरुवर ने कहा एक का अंक बढ़ा देने से संख्या अविभाज्य हो जाती है। आप किसी भी संख्या में एक का अंक बढ़ा के देख लीजिए, 50 का आप भाग दे सकते हैं, 51 का भाग नहीं दे सकते, 121 का भाग नहीं दे सकते, 11 का भाग नहीं दे सकते, 51 का भाग नहीं दे सकते। तो जब आप 51, 21, 11,
111,000, 121,000, 11,00,000, 21,00,000, 31,00,000 ऐसी संख्या का दान देते हैं तो वो आपका जो दान होता है वो अविभाज्य की श्रेणी में आ जाता है कि अब इसको कोई विभाजित नहीं कर सकता, तो बढ़ता ही रहेगा ये। तो जब हमारा दान देने के बाद भी बढ़ता रहे इसलिए हम एक की संख्या बढ़ा करके देते हैं। गुरुवर ने उस दिन वो भी समझाया कि एक की संख्या में वो जो एक बढ़ता है वो एक नोट में नहीं बढ़ता, सिक्के में बढ़ता है। सिक्के में क्यों बढ़ता है, नोट देने में और सिक्का देने में क्या है? बोले नहीं, बहुत फर्क है। फर्क ये है कि जब हम सिक्का देते हैं तो वो सिक्के में धातु रहती है और धातु पृथ्वी से निकली है तो वो पृथ्वी का रूप मानी जाती है। तो उस धातु के माध्यम से प्रत्येक समय देने वाले दाता के पास और आपके पास दोनों के पास ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और पृथ्वी और संपत्ति ये दोनों कुवारी मानी गई हैं। दुनिया में कभी भी कोई भी संपत्ति का और पृथ्वी का भोग नहीं कर पाया, उसको छोड़ करके जाना ही पड़ा। कितने भी राजा महाराजा हैं, कितने बड़े बड़े आपके पूरे भारतवर्ष में आप राजमहल देख लीजिए, संपत्ति को साथ में ले जा नहीं सकते, पृथ्वी को आप साथ में नहीं ले जा सकते, ये शुरुआत से कुमारी के रूप में मानी गई है, इसको कभी कोई भोग नहीं पाया। अपने पास रखने का लोगों को मौका मिला लेकिन भोग कोई नहीं कर पाया। तो जब हम धातु का वो सिक्का देते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि इस माध्यम से कि ये कुमारी है, भले तुम्हारे हाथ में जा रही है लेकिन ये तुम भोग नहीं पाओगे, इसको भी किसी के लिए दान देना है। और वही दुख के दिनों में जब आप अपना व्यवहार लिखाते हैं तो कभी भी 11, 21 और 31 का नहीं लिखाया जाता, भैया 10 रुपये लिख लो या 20 लिख लो या 50 रुपये को व्यवहार आया, उस समय भाज्य संख्या का दान दिया जाता है। 51 रुपये का व्यवहार दुख के दिनों में नहीं देते। तो ये छोटे छोटे ऐसे भी समीकरण हैं जिनके माध्यम से गुरुवर्स ने अपन सबको पता नहीं कितनी ज़्यादा चेतना से जागृत करने का हमेशा प्रयास करते हैं। कई बार देव की वाणी काम करती है, कई बार जीवन विकास के लिए शास्त्र की वाणी काम करती है। जब हम देव और सास गुरु से नहीं समझ पाते तो गुरु की वाणी भी अपने एक अद्भुत सौंदर्य लेकर के काम करती है। उस दिन की वह पूरी की पूरी देशना 9:15 बजे शुरू हुई और 9:45 बजे का समय था गुरुवर के आहारचर्या का, 10 बजे का। 10:15 बजे तक गुरुदेव देशना निरंतर देते रहे, लोगों को खूब आनंद आता रहा, लोगों ने अपनी क्षमता के विकास के सूत्र सीखे, सामायिक करने का सौभाग्य प्राप्त किया, लोगों ने नारियल क्यों फोड़ते हैं, रुपए क्यों दान देते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, ऐसी छोटी छोटी लोक व्यवहारिक जानकारियाँ भी गुरुवर के श्रीमुख से जनता ने खूब प्राप्त की है। चूँकि ये विषय करीब 19 साल पुराना हो चला, 19 साल पहले ये देशना गुरुवर ने अपने मुखाग्र से लोगों को दी थी, मुझे जब मैंने पन्ना पलटा, मैंने कमरे में देखा तो मैंने कहा वो देशना पूरी लिखी हुई थी। हमने कहा ये देशना की आवश्यकता आज वर्तमान काल में पुनः दिखाई देती है कि अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हो, किसी को अपना इकोनॉमी डेवलपमेंट करना हो, किसी को अपना मोरल डेवलपमेंट करना हो, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, क्षमता का विकास चाहिए है, तो आप लोक संपर्क से बचें, ओवर ईटिंग से बचें, कसाय बढ़ाने वाले निमित्तों से बचें, आप और भी चीज़ों से, जिन 9-10 सूत्रों पर मैंने चर्चा की है। मैं मानता हूं कि इस पूरे उद्बोधन को सुनने के बाद आप इसका एक नोटिफिकेशन बना करके नोट करने का जरूर प्रयास करेंगे और लिख करके अपने परिवार को, लोगों को बताएंगे कि इस तरीके की बौद्धिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्षमता बढ़ाने का सूत्र जो गुरुवर ने दिए थे, अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करें। ये प्रयोग आपके जीवन में और सुंदरता और भव्यता लाए। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।